सन्मति सागर मोबाइल 10% डिस्काउंट के साथ मात्र 5 मिनट में मोबाइल फाइनेंस सुविधा। मोबाइलों के थोक एवं फुटकर विक्रेता, पता हीरो शोरूम के पास, विश्व भारती रोड, भगवानगंज, सागर। जिलाध्यक्ष जी रघुवंशी जी, सभी साथीगण, क्योंकि कोई सभा का समय नहीं है, मैं दुख की घड़ी में आया हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से फसलें देखी है और किसान हूं, इसलिए किसान के दर्द को पहचानता हूं, तकलीफ जानता हूं। दिन और रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके, कर्जा लेके खाद डाला, बीज डाला और पानी से नहीं, पसीने से अपनी फसलों को हम सींचते हैं, तब अन्न के दाने हमारे घर पे आते हैं। फसल तैयार हो रही थी लेकिन अचानक ओलावृष्टि हो गई। आज मैं आपसे, केवल आपसे नहीं, अशोकनगर से नहीं, मुंगावली से नहीं, चाहे गुना के किसान हो, शिवपुरी के किसान हो, दतिया के किसान हो, या मध्य प्रदेश के और किसी जिले के किसान हो, अभी मैं निवाड़ी जिले से आ रहा हूं, किसान भाइयों, तकलीफ है लेकिन चिंता मत करना। ये संकट आया है लेकिन संकट के पार निकाल के आपको ले जाएंगे, इस मुसीबत से निजात आपको दिलाएंगे। और इसलिए पहले के ही नुकसान का सर्वे हमारे सारे अधिकारी आए, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, 18 तारीख तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और सर्वे में कोई बेईमानी भी ना हो, मनमानी ना हो, ईमानदारी से हो, ये निर्देश मैंने दिए। लेकिन केवल निर्देश नहीं, सर्वे की पूरी सूची पंचायत भवन में लगाई जाएगी ताकि आम जनता देख सके। और उसके बाद अगर किसी को आपत्ति होगी तो उसका खेत फिर से देखा जाएगा। मैंने अफसरों से सीधा कहा है, कह रहा हूं, ये संकट की घड़ी है किसान के लिए, और जब कोई चूक ना हो जाए, ईमानदारी से सर्वे करना, 1-2% अगर मुआवजा देने के लिए ज्यादा लिखना पड़े तो लिख देना, लेकिन कम लिख दिया तो फिर मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। भाई, संकट की घड़ी में हम किसान के साथ खड़े हैं और किसान को राहत और मुआवजा हमको देना है। हमने तय किया दोनों दृष्टि से, एक तो बीमा कंपनी से बात चल रही इसी जनवरी के महीने में, पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा बांटा जाएगा जनवरी के महीने में। मैंने उनको अल्टीमेटम दे दिया, किसान की हालत देखी जो यहां लेटे थे, वो बिल्कुल चिंता नहीं करे, अभी शाम तक ही उनको 50,000 रुपए की राशि अलग से दे दी जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो नुकसान हुआ है, 50% से ज्यादा नुकसान जिन किसानों का हुआ है, उनको 30,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। लोन अगर लिया होगा तो कर्ज वसूली स्थगित करके अल्पकालीन लोन को मध्यमकालीन में बदल के उसका ब्याज भी हम भरवाएंगे ताकि किसान को कोई दिक्कत ना हो, उसमें भी राहत उसको मिल जाए। अगर फसल के अलावा कबेलू और बाकी नुकसान भी होगा तो उसके लिए अलग से पैसे देंगे, उनकी राहत की राशि अलग से देंगे। और भगवान ना करे अगर हमारे मवेशियों को, गाय को, भैंस को, अगर वैसे भी कुछ जगह से घटना प्रकाश में आई है, गाय भैंस अगर मरे होंगे तो 30,000 रुपया देंगे और बछड़ा बछिया होंगे, भगवान न करे लेकिन अगर मौत हो गई होगी तो उनके भी 10,000 देंगे, इंसान की मौत भी हुई है तो वहां भी 4,00,000 रुपया देंगे। गर्व
कष्ट में और तकलीफ में सरकार आपके साथ खड़ी है। और फसल बीमा योजना जिनने करवाई उनका पैसा अलग मिलेगा 25% नुकसान का। पहले कंपनियों से हम कह रहे कि पहले दो और आकलन के बाद फिर बाकी 75%। तो आंख में आंसू लाने की जरूरत नहीं है, मुसीबत है, लेकिन इसी मुसीबत के दिन तो के लिए तो मैं मुख्यमंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिशुपाल को आपने विधायक बनाया है। काय के लिए बनाया है? इसलिए कि हम कष्ट में आपके साथ खड़े रहे। तो आंखों में आंसू मत लाना, संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा, यही कहने में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।